आज मैं इस वीडियो में जस्ट 11 का शुरुआत कर रहा हूं, जो मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर पढ़ना है, सेट्स एंड रिलेशंस। तो सेट्स के बारे में कुछ बात करते हैं पहले हम लोग। चैप्टर का नाम सेट थ्योरी। इसमें हमें सेट्स के बारे में जानना है, सेट क्या होता है। अगर बात करें तो पूरे मैथमेटिक्स में ये बहुत वाइटल है। जैसे कोई चीज होता है ना जिसमें इसेंशियल कुछ बातें होती है कि उसके बगैर नहीं होगा, इस तरह से पूरे मैथमेटिक्स का लैंग्वेज आप कर सकते हैं इसको। कोई भी मैथमेटिक्स का पार्ट आप पढ़ेंगे, अलजेब्रा, कैलकुलस, ज्योमेट्री, एवरीवेयर इसका यूज होगा। और बहुत स्टूडेंट्स या टीचर्स कभी कभी इसे बहुत हल्के में लेते हैं। तो मेरा ये सलाह रहेगा, एडवाइस रहेगा आपसे कि हल्के में तो कोई चीज लेना ही नहीं है। हर चीज को जो है वो उसके अंदाज में लेना है, एग्जैक्टली वही लेना है, ना हल्के में लेना है ना भारी में लेना है। तो कुछ इसमें बोरिंग भी हो सकता है, चूंकि थ्योरेटिकल बातें हैं, कुछ इंफॉर्मेशंस है, कुछ डेफिनेशंस है, उसे समझना है, उसे याद रखना है, दिमाग में बिठाना है। तो थोड़ा सा इसको ढंग से देखते चले हम लोग। सबसे पहले सेट को डिफाइन करते हैं, ये सेट है क्या। तो ये इसमें कहता है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट थिंग्स, ऑब्लिक करके हमने ऑब्जेक्ट्स लिखा है, मतलब थिंग्स कहें ऑब्जेक्ट्स कहें एक ही बात है, इज कॉल्ड ए सेट। हमने नहीं लिखा है, थोड़ा सा समय जगह को बचाते हुए। मतलब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसके समझेंगे उसको हम लोग। वेल डिफाइंड समझते हैं, कोई भी चीज वेल डिफाइंड होता है या नहीं होता है इसका क्या मतलब होता है। कलेक्शन, डिस्टिंक्ट थिंग्स, डिस्टिंक्ट भी समझते हैं, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, डिफरेंट भी कह सकते थे उसको डिस्टिंक्ट के जगह पर। तो ये क्या होता है, कलेक्शन है डिस्टिंक्ट थिंग्स का, और कैसा कलेक्शन, तो वेल डिफाइंड। थोड़ा सा वेल डिफाइंड को ढंग से समझेंगे हम लोग। कलेक्शन जो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स का होता है वो वेल डिफाइंड होगा या नहीं होगा इसका क्या मतलब हुआ। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब हम ये समझेंगे कि कोई भी कलेक्शन को हम वेल डिफाइंड कब कहेंगे, तो जब मुझे उसके बारे में कहा जाए कलेक्शन के बारे में, तो मैं भी वही कहूं, किसी और को कहा जाए कलेक्शन के बारे में तो वो भी वही सोचे। ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से हम उसको समझ रहे हैं, कोई और उसके हिसाब से समझ रहा है, तो वैसे कलेक्शन को वेल डिफाइंड नहीं कहेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे मान ले भी हम कलेक्शन लें कुछ ऐसे चीजों का, कि आप मान लो जिस भी शहर में रहते हो, उस शहर में हम कहें जो भी पॉपुलेशन हमारा है उसमें वैसे सारे लोगों का कलेक्शन हमें लेना है जिसका हाइट 5 फीट से अधिक हो, वो टॉलर देन 5 फीट। समझ सकते, 5 फीट से अधिक हाइट का आदमी, ये वेल डिफाइंड है या नहीं है। हाइट तो मेजर कर सकते हैं ना, इसमें कोई आदमी चाहे किसी को ले लेगा किसी को छोड़ देगा, ऐसा नहीं है। ये वेल डिफाइंड क्राइटेरिया हमारे पास है, हम किसी भी आदमी में जो भी हमारे पास मेजर करने का है उसे मेजर करेंगे। अगर 5 फीट से स्मॉलर है, सॉरी ग्रेटर है ले लेंगे, स्मॉलर है छोड़ देंगे। फिर अगर कहते हैं उसी शहर में आप ऐसे आदमी का सिलेक्शन करो जो आदमी बहुत ईमानदार है, आप सोच सकते हैं किसी शहर में कोई आदमी बहुत ईमानदार है, ये डिसाइड करने का कोई पैरामीटर हो सकता है। किसी आदमी को कहा जाए, मान लीजिए वो बच्चा अपने पापा को कहे सब बहुत ईमानदार है, बट दूसरा आदमी को कहा जाए तो उसके पापा को कहे बाप रे ये तो सबसे बेईमान आदमी है, इसको ईमानदार कह रहा है। तो कहने का मतलब इसे वेल डिफाइंड हम नहीं कहेंगे। सबसे ईमानदार, सबसे अच्छा, सबसे खराब, ये सब जो चीजें हैं ये वेल डिफाइंड नहीं कर सकते। मतलब आप ये समझो कि जो चीज पसंद नापसंद से, हमारे इंटरेस्ट से, हमारे हॉबी से जुड़ा हुआ है, किसी कारण से मुझे कुछ अच्छा लग सकता है, सामने वाले को वो खराब लग सकता है, तो वैसी चीजों को हम वेल डिफाइंड नहीं कहेंगे। आपकी एक्सरसाइज में पहला एक्सरसाइज ही ऐसा होगा जिसमें कुछ कलेक्शन के बारे में लिखा है
और आपको ये डिसाइड करना है कि whether these collections are sets or not। बहुत सारी बातें उसमें होंगी, जैसे अभी हम कहें कि इंडिया का वैसा सारा स्टेट जो ए से स्टार्ट होता है, स्टेट का नाम ए से स्टार्ट होता है, वेल डिफाइंड है ये। इंडिया का 5 सबसे अच्छा स्टेट, ये वेल डिफाइंड नहीं है। आप समझ सकते हैं कि किसी आदमी को कहा जाएगा तो वो अपने स्टेट को सबसे अच्छा कह सकता है, या उस स्टेट से बहुत उसको प्रॉब्लम है, अपने स्टेट से खराब भी कह सकता है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ। हाँ, अब कहें सबसे मोस्ट जो फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली सबसे रिच स्टेट है, तो ये तो डाटा बेस्ड है, डाटा के हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा जीडीपी किसका है, कैसे क्या ग्रोथ रेट है स्टेट का, ये क्लियर है ना। तो इस तरह से उस कलेक्शन को आप लोग देखेंगे और जो वेल डिफाइंड है नहीं है उसके हिसाब से वो सेट है या नहीं है उसको बनाएंगे हम लोग। नेक्स्ट हम करते हैं डिनोशन ऑफ सेट। सेट को डिनोट करने का तरीका, डिनोशन समझते हैं, डिनोट वर्ड पूछते हैं ना, डिनोट करना कोई चीज को, तो इसमें दो वेल नोन फॉर्म हमारा है डिनोट करने का, जिसमें एक रोस्टर या इसी को टेबुलर भी बोलते हैं। आपके बुक में शायद रोस्टर ही मिलेगा, टेबुलर नहीं मिलता है, लेकिन टेबुलर फॉर्म भी कहा जाता है, कहीं आपको मिल सकता है ये। तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म एक ही होता है, और इस फॉर्म में क्या करते हैं, सेट को अक्सर हम लोग कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट से लिखते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एक्सेट्रा, और इसमें जो भी वेल डिफाइंड बातें हैं, थिंग्स है कलेक्शन में, वो सारे को हम लिस्ट कर देते हैं और एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करते हैं कॉमा देकर, और इसे इनक्लोज कर देते हैं कर्ली ब्रैकेट से, ये पैरेंथेसिस से इसको इनक्लोज कर देते हैं। ये कंपल्सन है कि हम इसी ब्रैकेट से का यूज करेंगे। आप अगर स्मॉल दे देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट दे देते हैं, तो वो कन्वेंशनली गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो सेट को हम लोग कर्ली ब्रैकेट से इनक्लोज करेंगे, ये एक तरीका हुआ रोस्टर या टेबुलर, मतलब इसमें एक एक चीज को टेबुलेट कर देना है, लिख देना है। दूसरा कहता है सेट बिल्डर फॉर्म, ऐसा और भी सेट हो सकता है कुछ भी, अब हम अपने फैमिली में जो भी लोग हैं वो सारे का सेट एक बनाते हैं, मान लीजिए एफ लिख दीजिए, सेट ऑफ क्या है, तो हमारे फैमिली सेट ऑफ मेंबर्स ऑफ इन माय फैमिली, तो हमारे फैमिली में जो जो लोग हैं सबका नाम लिखेंगे कॉमा कॉमा देकर, फिर ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। जाहिर है हमारे फैमिली में जो भी मेंबर है वो वेल डिफाइंड है, तो ऐसा बहुत सारा हो सकता है। नेक्स्ट जो इसका एक और होता है डिनोट करने का तरीका, उसे सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बिल्ड वर्ड किसी चीज में लग गया, मतलब समथिंग रिलेटेड टू बिल्ड, बिल्डिंग, और बिल्ड कहते हैं तो ऐसा दिमाग में आता है कुछ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बातें होती है, और कंस्ट्रक्शन अक्सर मकान का देखते हैं, बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनी होता है, वो अपार्टमेंट ही वो बनाता है ये वो, तो यहां थोड़ा सा बिल्ड का बोनाफाइड मतलब समझेंगे, व्यापक इसका मतलब समझेंगे कि बिल्ड सिर्फ मकान का ही नहीं हो सकता है। बिल्ड आप देखते हैं बॉडी बिल्डर होता है, कोई गाड़ी ट्रक का बनाता है वो भी बॉडी बिल्डर कहलाता है, कोई कैरेक्टर बिल्डर हो सकता है, हमारे आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं, मम्मी पापा हो सकते हैं जो हमारे कैरेक्टर को बिल्ड करते हैं। तो कहने को तो बिल्ड करना, तो जैसे ही बिल्ड वर्ड आता है तो कोई आदमी एक ही चीज को डिफरेंट वे बिल्ड कर सकता है, मैं अलग वो अलग वो अलग, जैसे मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं, हम लोगों को भी आप कह सकते हैं कैरियर बिल्डर हैं, बच्चे पढ़ते हैं अच्छा करते हैं तो हम भी कैरियर बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, तो मैं मैथ पढ़ा रहा हूं, कोई और मैथ पढ़ा रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, तो सारे लोग बिल्कुल एक तरीके से पढ़ाएंगे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। लेकिन ऐसा है कि कोई भी टीचर पढ़ाएंगे तो सेट अगर पढ़ा रहे हैं, मैंने पढ़ाया, आप एक्सरसाइज बनाओगे और किसी क्वेश्चन में ये सेट है कि नहीं है, तो मेरा स्टूडेंट कहेगा कि हाँ है, और कोई दूसरा टीचर का स्टूडेंट कहेगा नहीं है, तो ये संभव नहीं होगा ना। पढ़ाएंगे तो वही बात ना जो पढ़ना है, दिमाग में तो वही कंसेप्ट आएगा ना जो हम पढ़ा रहे हैं बता रहे हैं, कोई और टीचर पढ़ाएंगे बताएंगे, तो अलग वे हो सकता है बिल्ड करने का, लेकिन हम जो एक्सट्रैक्ट करके देना चाह रहे हैं वो सबका क्या होगा, सेम होगा। तो यहां पर थोड़ा सा एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे इस सेट ए को हमने इसे अभी इस रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में लिखा है, इसे अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो मान लें कोई इसे ऐसे लिखता है ए, जहां ए कर्ली ब्रैकेट तो बढ़ता ही है पहले समझ चुके हैं,
और इसमें कोई सिंबॉलिक आर्बिट्ररी यहाँ वेरिएबल लिखते हैं, वो एक्स वाई जेड टी कुछ भी हो सकता है, और एक्स और ये आप देख रहे हैं दो पॉइंट, और फिर इस एक्स को एक्सप्लेन करते हैं कि ये एक्स स्टैंड्स फॉर व्हाट, एक्स किसके लिए स्टैंड कर रहा है। जैसे इस सेट को हम लिख रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, तो यहां हमने लिखा है एक्स वेयर, या इसको पढ़ेंगे एक्स वेयर या एक्स सच दैट एक्स इज एनी ऑफ द फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स। एक्स जहां एक्स क्या है तो शुरू का फर्स्ट फाइव समझते हैं, शुरू से पांच नेचुरल नंबर में से कोई भी ये हो सकता है। आप समझ सकते हैं यही स्थिति तो है, फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 होता है, और ये कारण उसमें से कोई ले सकते हैं इसमें, मतलब इसमें 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। 0 ले सकते हैं इसमें क्या, तो नहीं ले सकते, 0 नेचुरल नंबर नहीं है, 0 से स्टार्ट नहीं होता नेचुरल नंबर। इसमें 2.5 ले सकते हैं क्या, तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर में 2.5 नहीं आता है, 2.5 तो नेचुरल नंबर है ही नहीं, कहीं नहीं आएगा। कहने का मतलब इसमें कहीं भी हमने 1 से 5 तक का नाम नहीं लिया है, लेकिन जो एक्सट्रैक्ट होके इसका मतलब निकल रहा है उसके हिसाब से इसमें 1, 2, 3, 4, 5 की ही बात कर रहे हैं। किसी को ये समझ में आया कि इसको x such that x is any of the first five positive integers, first five positive integers, आप समझ सकते हैं जो नेचुरल नंबर है वो पॉजिटिव इंटीजर्स भी है, वो पॉजिटिव इंटीजर्स ही का लैंग्वेज में दोनों में फर्क तो है, लेकिन इससे भी जो एक्सट्रैक्ट होके आएगा वो 1, 2, 3, 4, 5 ही आएगा ना। कोई और स्मार्ट सोचा, टी आपको जैसे बताया ना कि हम दो पॉइंट देते हैं, वैसे ये एक ऑब्लिक लाइन सेगमेंट भी ऐसे खींचते हैं, ये भी एक ही बात है, टी डब्ल्यू ये तो पहले बता चुके, कुछ भी लिख सकते हैं, तो दो बिंदु की जगह पर ये ऐसे एक ऑब्लिक लाइन, तो टी वेयर टी या सच दैट टी बिलोंग्स टू एन, राइट फ्रॉम बिगिनिंग आप बहुत नीचे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ये जो कैपिटल एन है, ये कैपिटल एन स्टैंड्स फॉर कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट तो भी पढ़ ही रहे हैं, यहां भी यही देखें कैपिटल एन मतलब नेचुरल नंबर के फैमिली के लिए स्टैंड करता है। तो टी के बारे में वो कह दिया कि टी क्या है, तो नेचुरल नंबर है। अब समझिए कि टी नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर तो बहुत होता है, तो एंड कहा, एंड का मतलब आप समझते हैं कि टी नेचुरल नंबर भी है, एंड अभी टी की बात खत्म नहीं हुई, आगे कह रहे वो भी है, तो एंड टी का वैल्यू 1 से 5 के बीच, दोनों पर इक्वालिटी यहां पर लगाया गया है, मतलब टी कैन टेक 1 as well as 5, बाकी 1 और 5 के बीच में आप समझ सकते हैं 2, 3, 4 ये भी आएगा, यानी ये भी घुमा फिराकर 1, 2, 3, 4, 5 की बात किया ना। कोई और स्मार्ट सोचा, डब्ल्यू वेयर डब्ल्यू बिलोंग्स टू एन एंड डब्ल्यू इज लेस देन इक्वल टू 5, आप समझ सकते हैं बात को, डब्ल्यू को हमने नेचुरल नंबर कह दिया, अब वो सोचा कि 5 से स्मॉलर कर देंगे तो 1 से ग्रेटर करने का क्या काम है, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता ही है, तो ये और अच्छा सोचा। कहने का मतलब एक जो सेट है उसे सेट बिल्डर फॉर्म में हम डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा ये बात समझना कि सेट को दो फॉर्म में क्यों लिखें, देखिए ये अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा इम्प्रूव करना है आपको, है ना, और बातों को कैसे समझना है ये इंपॉर्टेंस रखता है। 10th क्लास तक जनरली होता क्या है कि हम लोग जैसे भी रट्टा सट्टा मार के बातों को समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, लेकिन ऐसे लिखते हैं नंबर आता है लिख दिए, तो थोड़ा उससे ऊपर उठना है, बातों में घुसना है, बहुत डूबना है, है ना, कहते हैं ना डूबता है बहुत गहरा तब मोती मिलता है, तो थोड़ा सा ना कोई चीज है ये क्यों है कैसे है, थोड़ा उसका लेफ्ट राइट आगे पीछे देखना है। मैं एससी वर्मा का एक वीडियो देख रहा था, बहुत अच्छा लगा मुझे कि उन्होंने बताया कि अभी जो सबसे बड़ी परेशानी है कि बच्चों को जो मार्क्स के लिए पढ़ाया जा रहा है ना, एक इंटरव्यू उनका था यूट्यूब पर देख रहे थे, तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चे सीख नहीं रहे हैं, वो विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं किसी तरह से मार्क्स लाना है, और जिस दिन बच्चे इस पर आ जाए कि हमें सीखना है तो मार्क्स आना अच्छा करना वो तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बाय प्रोडक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा अभी मैं स्लो भी आपको उस दिन बताऊंगा, थोड़ा स्लो, क्योंकि अभी लाइन लेंथ मिलाना है हम लोगों का,
फिर हम देखेंगे आपकी क्या रिएक्शन प्रतिक्रियाएं आती हैं, उसके हिसाब से हम भी देखेंगे और क्या कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ना अब है कि इससे आगे मैं बढ़ सकता हूँ, रोस्टर टेबलर हो गया, सेट बिल्डर हो गया, लेकिन थोड़ा सा ना एक इंटरेस्टिंग वे में और दो फॉर्म क्यों, इसको भी थोड़ा सा सोचे हम लोग तो अच्छा होगा, समझने का तरीका वो सही होगा। आप समझ सकते हैं रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, दो फॉर्म क्यों, इससे भी जल्दी में थोड़ा कंक्लूड करके बताता हूं कि आप समझ सकते हैं कुछ सेट ऐसा हो सकता है जिसे बहुत सारा एलिमेंट है, लेकिन वो सारा एलिमेंट एक रूल को फॉलो कर रहा है, तो उस रूल का यूज करके उसे सेट बिल्डर फॉर्म में कर सकते हैं। अभी आप इमेजिन करें कि हम लोग इंडियन हैं, इंडिया के पॉपुलेशन को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये कितनी समस्या की बात होगी, आप समझ रहे हैं। इंडिया का पॉपुलेशन 130 या 135 करोड़ है, उतना करोड़ लोगों का नाम कागज पर लिखना, कॉमा कॉमा देके खत्म करना, ये संभव है क्या? मुश्किल काम है ना। हाँ हो सकता है लाइफ लॉन्ग लोग बहुत सारा मिलकर लिख रहे अपना, कहने मतलब ये इम्प्रैक्टिकल है, लेकिन अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो आराम से एक सेट पी लिख देंगे, ब्रैकेट देंगे, एक्स लिखेंगे, सच दैट एक्स इज एनी पर्सन ऑफ इंडिया। सोचिए एक सेंटेंस में पूरा इंडियन पॉपुलेशन को हम लिख दिए, समझ सकते हैं उसमें कोई भूटानी, कोई बर्मा का, कोई लंका का, बांग्लादेश का आएगा क्या? नहीं आएगा, हमने कहा इंडियन पीपल है वो। तो कहने का मतलब कि एक कारण तो ये हुआ कि कुछ सेट जो सेट बिल्डर में बहुत कंबरसम होगा, जटिल होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा, उसको सेट बिल्डर फॉर्म बहुत आराम से लिख देगा। और एक बात और होता है क्या कि जैसे मान लीजिए कभी हम एक सेट यहां पर लिख रहे हैं, देखिए यहां समझा रहा हूं मैं, एक सेट में लिख रहा हूं सेट बी वेयर इसका एलिमेंट एक्स है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर, आर आप समझते हैं सेट ऑफ रियल, फैमिली ऑफ रियल, मतलब एक्स रियल नंबर है, एंड एक्स का वैल्यू 1 से 2 के बीच है। आप ये समझे कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है कि नहीं है, आप समझ सकते हैं, ऑफ कोर्स ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अगर मैं कहूं इसमें 1.005 इसका एलिमेंट है या नहीं है, तो 1.005 रियल है ना, तो रियल तो है, सिर्फ रियल नहीं चाहिए एंड भी है, ये भी चाहिए, तो 1.005 1 से 2 के बीच में है ना, जवाब होगा बिल्कुल है, 1 से जस्ट ग्रेटर जाएंगे तो वो मिलेगा हमको, तो वो है कलेक्शन इसमें। रूट टू है या नहीं है, रूट टू भी 1 और 2 के बीच में वैल्यू बिल्कुल होगा, रूट थ्री वो भी होगा, 3/7 नहीं होगा, 3/7 स्मॉलर देन 1 है। कहने का मतलब ये वेल डिफाइंड है, इसमें कौन होगा कौन नहीं होगा ये हम डिसाइड कर सकते हैं। अब छोटा सा सेट है, मात्र 1 से 2 तक का रियल नंबर हमने लिया है, और अगर इसे कहा जाए कि आप इसे टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कीजिए, लिखिए, आप समझ रहे हैं कि अगर रोस्टर फॉर्म में इसे लिखेंगे तो स्टार्ट 1 से करेंगे, लास्ट 2 से करेंगे, यहां तक तो ठीक है, लेकिन 1 के जस्ट बाद क्या लिखेंगे ये आप समझ पा रहे हैं ना, कि 1 के जस्ट राइट साइड यानी 1 से जस्ट ग्रेटर देन कौन रियल नंबर होगा, ये पॉसिबल है लिखना नहीं ना। अब अक्सर क्लास में बच्चों से पूछता हूं, कुछ बच्चे फंस भी जाते हैं, वो बताते हैं कि सर इसके आगे 1.1 होगा। मैं समझता हूं आप तो होशियार बच्चे हैं, आप नहीं फंसेंगे, बट अगर कोई ऐसे सोचता है 1.1 होगा तो ये रॉन्ग है ना, ये आप समझ पा रहे हैं ना, क्या 1 के बाद 1.1 ही है? आप समझ सकते हैं इसके पहले भी तो नंबर 1.01 ला सकते हैं, तो कोई कहेगा 1.001 करेंगे तो और 1 के करीब होगा। सोचिए कि 1 के जस्ट आगे कौन नंबर होगा, ये हम लाइफ लॉन्ग ढूंढते रहेंगे, है संभव? कोई सीमा है इसका, लिमिटेशन है कितना जीरो के बाद 1 देंगे? कहने का मतलब कि ये छोटा सा सेट जो सेट बिल्डर फॉर्म में आराम से लिखा गया, इसे अगर हम टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा अब है कि ठीक है सेट बिल्डर फॉर्म में तो होता है ना, इसमें नहीं होगा, तो फिर हम टेबुलर फॉर्म को क्यों पढ़ते हैं, उसी को छोड़ दें, सारा सेट हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। अब समझ सकते हैं कि सारे सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना तो
पॉसिबल हमेशा नहीं होगा, होगा तो, लेकिन वो फायदेमंद नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि यहां पर हमने बहुत क्लेवरली 1 2 3 4 5 ले लिया था कि एक रूल बना सके, एक नियम से लिख सके, इसे बिल्ड कर सके। सेट ऐसा भी हो सकता है कि इसका एलिमेंट ऐसा ऐसा एलिमेंट है जिसको कि हम एक रूल से नहीं बांध सकते, एक रूल इसे बाइंड नहीं कर सकता। 7.353 और 353 पर हम रेकरिंग डाल दिए और इसे हम इनक्लोज कर दिए। अब इसको कोई एक सेंटेंस में रूल से कह सकता है कि इसमें ये 1 2 3 4 ये जो ऑल द फोर नंबर है वो आ जाएगा? जाहिर है नहीं कह सकते। फिर भी अगर इसमें कोई कहे कि क्यों नहीं कह सकते, लिख सकते इसे इस तरह से हम कि सेट ए है, इसका एलिमेंट एक्स है, वेयर एक्स इज एनी ऑफ द फोर रियल -1 √2 100/3 एंड 7.353 रेकरिंग। सही बात है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको बिल्कुल सही कहा जाएगा। लेकिन आप सोचो कि अगर इस तरह से इसको लिखते हैं तो कोई फायदा हुआ क्या? आखिर कोई चीज हम समझते हैं मैथमेटिक्स में या कहीं भी तो उसका फायदा उठाते हैं ना, कि वो थोड़ा छोटा हो साइज, ये तो और बेकार की बात हो गई ना। ये सारा जो हमने लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म, एक ही एक बात को हमें लिखना ही पड़ा और इतना बार हमें फालतू में लिखना पड़ा, तो ये भी इम्प्रैक्टिकल बात हुआ ना। तो इसलिए हम सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर टेबुलर फॉर्म को भी रखते हैं, जहां जैसे हमको जरूरत पड़ता है एक्सप्रेस करने का मैथमेटिकली कोई लैंग्वेज तो हम उसका यूज करते हैं। तो ये ऑथेंटिसिटी ऑफ टू डिफरेंट फॉर्म्स डिनोशन जो सेट का होता है उसका ऑथेंटिसिटी हुआ, औचित्य हुआ कि क्यों ऐसे है। ठीक है, आगे कुछ सिंपल सिंपल टाइप है सेट का, 2 3 4 जरा उसको देख लेते हैं। आगे कुछ वैरायटीज है सेट का, छोटी छोटी बातें जरा इसको दिमाग में बैठाएंगे। सिंगलटन सेट, पेयर सेट, एम्प्टी नल या वॉइड सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सिंगलटन सेट का मतलब वो वैसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो। यहां में लिखा है हैविंग वन एंड ओनली वन एलिमेंट। थोड़ा सा यहां लैंग्वेज पर ध्यान देंगे, वन एंड ओनली वन, इसे आप ऐसे भी लिख सकते थे हैविंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट। आप समझेंगे कि सिंपली हम वन बोलते हैं और एक बोलते हैं वन एंड ओनली वन, यानी एग्जैक्टली वन, ये दोनों डिफरेंट चीज हुआ मैथमेटिकली। इसे हम मैथमेटिकली एवरीवेयर इसे डिफरेंट समझेंगे हम। जैसे आप ध्यान समझेंगे कि अगर वन कहते हैं हम, इसका मतलब वन से ग्रेटर भी कोई चीज है, ज्यादा संख्या में है तो भी हमारा काम हो जाएगा। जैसे मुझे कोई ऐसा काम है जिसमें एक आदमी की जरूरत है, मान लीजिए कोई सामान ऐसा है, अनगढ़ सामान है, इसे उठा के यहां से वहां करना है, मुझे एक आदमी चाहिए, दिमाग में आती है बात, कोई आदमी अगर एक रहता ना तो मेरा काम हो जाता। उस केस में अगर कहीं से 4-5 आदमी आ गया तो क्या मेरा काम नहीं होगा? जाहिर होगा, हमें तो एक चाहिए, वहां 4 आ रहा है और अच्छी बात है। तो यहां अगर आप कहते हैं हैविंग वन एलिमेंट, इसका मतलब सेट में अगर 4 बात है तो भी एक एलिमेंट तो कहा ही जाएगा कुछ में है, तो ये नहीं कहना है एग्जैक्टली एक हो। और जब वन एंड ओनली वन कहते हैं इसका मतलब सिर्फ एक आदमी की बात कर रहे हैं। सेम वे में फिर ऐसा सिचुएशन अगर हमारे पास हो कि किसी कारण से मतलब ऐसा सिचुएशन बना है कि कोई मान लीजिए ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि हमें एक और सिर्फ एक आदमी की जरूरत है, जैसे कहीं ऑटो से या किसी गाड़ी से जा रहे हैं, ऑटो की ही बात कर लो ना, कहीं बस स्टैंड में या कहीं से ऑटो स्टैंड में ऑटो पर चढ़ गया, कहीं जाना है मुझे स्टेशन या कहीं भी, और वहां से रूल है कि ऑटो में 6 सीटर ऑटो है, ऑल द 6 सीट्स जब उसका फुल हो जाएगा तब वो ऑटो खुलेगा, ऐसा स्टैंड का रूल है कुछ। मान लो 5 बंदा वहां पर आ चुका है और 1 सीट अभी वैकेंट है और वो सीट के लिए ड्राइवर हल्ला कर रहा है, अभी नहीं आया आदमी, हम जल्दी में दिमाग में उसमें क्या बात आती है कि अभी एक और केवल एक आदमी मिल जाता तो हमारा काम हो जाता है। वहां वन एंड ओनली वन पर्सन चाहिए हमें, जो कि एक ही सीट वैकेंट है। वहां अगर कोई एक ग्रुप आ जाता है जिसमें 3 4 5 पर्सन है तो हमारा काम नहीं होगा। अगर वो 3 4 5 पर्सन कहता है कि भाई हम सब साथ चलेंगे तभी जाएंगे तो हमारा काम नहीं होगा, वहां पर हमें वन एंड ओनली वन करना पड़ेगा। ये क्लियर है? तो वन एंड ओनली वन एलिमेंट रहेगा सिंगलटन सेट। वैसे ही पेयर सेट क्या है, हैविंग एग्जैक्टली टू एलिमेंट्स, यानी
दो और केवल दो एलिमेंट रहेगा तो बेयर सेट होगा। इसमें क्या समझाना है, नाम से स्पष्ट है, एम्प्टी नल वॉइड, ये तीन नाम इसका है, एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट। जैसा कि नाम में एम्प्टी का मतलब खाली होता है, तो इसमें कोई बात नहीं होगा, हैविंग नो एलिमेंट। यहां पर थोड़ा सा एक डिनोशन है, ये एम्प्टी सेट को हम डिनोट करते हैं फाई सेट या ब्रैकेट बना के बीच में खाली छोड़ देते हैं, ध्यान देंगे, ये सेट हो गया ना, अब बीच में कोई एलिमेंट हमने नहीं लिखा तो ये एम्प्टी सेट हो गया, और फाई इसका बोनाफाइड सिंबल, ये भी एम्प्टी सेट लिखने का। ध्यान देंगे जब फाई लिखेंगे तो कोई ब्रैकेट नहीं देंगे, कारण कि यहां पर अगर आप ब्रैकेट दे देंगे तो अब ये एम्प्टी सेट नहीं रहा, ये सिंगलटन सेट हो गया जिसका एलिमेंट फाई है, बिकॉज फाई इज वेल डिफाइंड, फाई एक ग्रीक लेटर है ना जो वेल डिफाइंड है, तभी तो फाई कह रहे हैं कि फाई ये है। तो कहने का मतलब फाई लिखेंगे तो उसको इंक्लोज नहीं करना है, और कल भी ब्रैकेट लिखेंगे तो बीच में कुछ लिखना नहीं है, क्लियर है। एम्प्टी सेट हैविंग नो एलिमेंट, फाइनाइट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, यानी उसकी गिनती करें तो कहीं ना कहीं जाकर वो लास्ट कर जाए, कम ज्यादा जो भी हो बट वो लास्ट करे, और इनफाइनाइट सेट का मतलब गिनते रहे कभी लास्ट नहीं करे। थोड़ा सा यहां पर हम आपको थोड़ा समझाना चाहेंगे, होता क्या है कि ये जो इनफाइनाइट है वर्ड, इनफाइनाइट में अक्सर मिसकंसेप्शन या मिसकंसेप्ट कहिए बच्चों को, ये देखते हैं क्लास में अक्सर इसमें बच्चे से पूछते हैं कुछ क्वेश्चन तो फंस जाता है अक्सर, कुछ सोच भी लेता है लेकिन मैक्सिमम मिसकंसेप्शन ही रहता है। मिसकंसेप्शन क्या होता है इसमें कि इनफाइनाइट का मतलब हम लोग जबरदस्ती ये समझ लेते हैं कि अगर बहुत ज्यादा एलिमेंट है तो उसे हम इनफाइनाइट कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, ज्यादा एलिमेंट से नहीं होगा। इनफाइनाइट का मतलब कभी वो लास्ट नहीं करे। जैसे एग्जांपल में लेते हैं कि किसी का सर में अगर भरा पूरा बाल है, अब हम लोग का सर तो बहुत कम बाल होते जा रहा है, लेकिन जिसके सर में पूरा डेंस एकदम है, घना बाल है, अगर उसके सर के बाल का कलेक्शन हम कहें तो क्या वह इनफाइनाइट सेट होगा कि फाइनाइट सेट होगा? तो बच्चे अक्सर उसे इनफाइनाइट बोल देते हैं, इनफाइनाइट सेट होगा, दिमाग में आता है कि बाप रे बहुत बाल है, बाल बहुत सर में होता है। तो सवाल है कि बहुत होना और इनफाइनाइटली मेनी होना, इनफाइनाइटली बहुत होना, ये दोनों डिफरेंट बात हुआ है। आप सोचो कि सर से बाल को अगर हम थोड़ा थोड़ा करके निकालना शुरू करेंगे, चिमटा लेके उसको खींचते जाएंगे, तो क्या ऐसा होगा कि सर का बाल कभी खत्म ही नहीं होगा? ऐसा होता तो आदमी कभी गंजा होता क्या जिसके सर से बाल खत्म हो जाता है? ये कभी होता क्या? डेली उससे 10, 20, 50, 100, 200 बाल ही ना निकलता होगा सोने में, नहाने में, और धीरे 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 वो बाल ग्रोथ नहीं किया, टूटते गया, आदमी गंजा हो गया। तो कहने का मतलब एक सर का बाल नहीं, पूरे दुनिया में जितना भी लोग है वो सारे के सर का बाल ले लिया जाए, इवन जो और एनिमल्स है, गाय भैंस और ये गधा, सब बॉडी में बाल होता है, वो सारे का बाल का कलेक्शन भी कर लेंगे तो वो भी क्या होगा? तो फाइनाइट सेट होगा, खाली वो नंबर बहुत ज्यादा होगा लेकिन होगा फाइनाइट। इसलिए थोड़ा सा इसको मतलब कंफ्यूज नहीं करेंगे। हमने एक सेट बिल्डर फॉर्म एग्जांपल लिया था, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स का वैल्यू 1 से 2 के बीच में। आप समझ सकते हैं ये छोटा सा सेट है लेकिन ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? तो वेरी इजीली हमें समझना चाहिए इनफाइनाइट सेट है। 1 से 2 के बीच का सारे रियल नंबर को क्या हम नेस्टिंग यूज करके एक एक रियल नंबर काउंट करते जाएंगे 2 तक पहुंच जाएंगे क्या? अभी हमने देखा था कि 1 के जस्ट आगे कौन नंबर होगा, वहां तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। इससे आगे पढ़ने की बात छोड़िए, 1 के बाद बस सोचते रहेंगे 1.000 कौन नंबर पहला ले, क्लियर है? तो ये छोटा सा सेट है, ये इनफाइनाइट है, जो 1 से 2 के बीच मात्र इसमें बातें हैं, 1 यहां 2 यहां है, तो हम सिर्फ यहां से यहां तक के रियल नंबर की बात कर रहे हैं, ये इनफाइनाइट सेट है। और एक तरफ सारे दुनिया का जो बाल का सेट करें, या सारी दुनिया में जो ट्रीज का कलेक्शन है, क्रिएचर का कलेक्शन है, ये सारा फाइनाइट सेट है, क्लियर है? ये फाइनाइट इनफाइनाइट हो गया। फिर कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट, कार्डिनल नंबर जब भी डिफाइन होता है तो किसी फाइनाइट सेट का ही कार्डिनल नंबर डिफाइन होता है, मतलब इनफाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर नहीं होता है। तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट ए इज डिनोटेड एज एन ए, देख रहे हैं ये एन ए ब्रैकेट में लिखते हैं, इसे पढ़ेंगे हम कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, वेयर, यानी जहां एन ए कैसे डिफाइन होता है,
तो एन ए इक्वल्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, यानी जिस सेट का कार्डिनल नंबर हम ले रहे हैं उस सेट में कितना एलिमेंट्स है, उस एलिमेंट्स का नंबर संख्या, समझ सकते हैं बात को। अभी अगर हम सिंपल एग्जांपल लें, सिंगलटन सेट है, कोई अगर सिंगलटन सेट है उसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, जाहिर है 1 होगा, क्यों, सिंगलटन सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 1 होता है। पेयर सेट में कितना होगा कार्डिनल नंबर, पेयर सेट का 2 होगा, एम्प्टी सेट का 0 होगा क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। बाकी अब सेट में 5 एलिमेंट्स है तो 5 होगा, 7 एलिमेंट्स है 7 होगा, एटसेट्रा, कार्डिनल नंबर क्लियर है, ये कार्डिनल नंबर हो गया। तो इस तरह से अभी आप जो क्वेश्चन मैंने बताया था शुरू में कि कोई कलेक्शन दिया हुआ वो सेट है कि नहीं, उस तरह क्वेश्चन बनाएंगे, प्लस अगली क्लास में जो हम करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में वो कुछ क्वेश्चन पहले करते हुए फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, है ना। तो आपका काम ये है वो करना, और कुछ सेट अगर लिखा है वेदर वो रोस्टर फॉर्म में हो, सेट विलर फॉर्म में हो, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो अगली क्लास में बात करते हैं। तो थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोग स्टार्ट कर देंगे और धीरे धीरे हम लोग फ्रीक्वेंसी थोड़ा मैच करें हम लोग का, एक दूसरे को समझें, और फिर जो प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग डालेंगे, है ना, और उसको फिर देखेंगे, और जरूरत होगा तो नंबर हमने दे ही दिया है, आप लोग कॉल भी कीजिएगा, है ना, ठीक है, ओके, धन्यवाद।